हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाना। आज हम बनाएंगे बहुत ही झटपट और बहुत ही इंस्टेंटली मूंग की दाल का हलवा, जो कि खाने में बहुत ही यमी लगता है और दिखने में तो दानेदार जैसे दिखता है। आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट आया है। तो आप भी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आपको हमारी इस तरीके की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मूँग की दाल 1 कप ली और इसे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगोने के लिए रख दी थी और इसे हम बारीक पीस लेते। अगर आप इसे रात भर के लिए भिगोने नहीं रखते हैं तो आप इसे 3 से 4 घंटा भी भिगा कर रख सकते हैं और इसे पीस लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 कप चीनी लिया और 1 कप पानी लिया है और इसे हम इसका चाशनी बना लेते हैं, लेकिन पतली चाशनी बनाना है। और इसमें थोड़ा सा केसर डाल देते हैं और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते। ये देखिए चाशनी रेडी हो गई है। तो अभी हम दूसरे पैन में घी ले लेते हैं। जैसा कि मूंग की दाल वाला जो दाल का जो हलवा बनाते हैं, इसके अंदर हमें घी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए, हमने 3 चम्मच घी ले लिए, उसके अंदर 1 चम्मच हमने रवा डाले हैं और 1 चम्मच बेसन डाले हैं और इसे अच्छी तरीके से हम चलाते हुए पका लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर घी की अगर आपको क्वांटिटी कम या ज़्यादा जो भी है, वो आपको आगे पता चल जाएगा कि किस स्टेज में आकर हमें और ऐड करना है। और इसमें हम ये जो बारीक पिसा हुआ मूंग दाल है वो इसमें ऐड कर देते हैं और इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है और फिर इसे चलाते हुए पकाना है, क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम पर बनाते हैं तो ये परफेक्टली नहीं बनता है। तो यहाँ पर इसे पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट और अच्छा बनता है। तो देखिए, मैं इसे घी में इस दाल को अच्छी तरीके से इस तरीके से प्रेस करते हुए स्पून से और पका रहे हैं। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे अच्छी तरीके से पकने के लिए। इसका कलर कुछ इस तरीके का है। तो देखिए, यहाँ पर 3 मिनट बाद इसका कलर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा कैमरे की क्वालिटी आपको इस तरीके की दिख रही है, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क और हुआ है। तो यहाँ पर हम इसे और 2 मिनट पका लेते हैं। जैसा हमने इस वीडियो में बताया आपको, उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना है तो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 1 चम्मच घी और ऐड किए हैं, जैसा कि ये स्टेज में आकर ही ऐड करना है, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते। देखिए, यहाँ पर मेन टिप्स है वो ये है कि जो आप इसमें चाशनी ऐड करते हैं वो 1 तार 2 तार वाली नहीं होनी चाहिए और पतली चाशनी होना चाहिए, जिसके अंदर जैसा कि शुगर मेल्ट हो जाती है। उसके बाद में हमें सिर्फ 2 मिनट पकाना है और उसके बाद में इसमें हमें चलाते हुए पकाना है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसे घी डालकर किस तरीके से पका रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए इसे इस तरीके से रखी थी, तो इसको थोड़ा थोड़ा घी छूट रहा है साइड से परफेक्टली। यहाँ पर इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसे चलाते हुए पकाएंगे और ये सच मानिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही यमी बना था। और देखिए, यहाँ पर मैं ये स्टेज में आकर इसमें चाशनी ऐड कर रहे हैं, जैसा कि ये पतली चाशनी बनाए हमने, 1 तार 2 तार वाली नहीं बनाए, और इसे हम अच्छी तरीके से चलाते हुए 2 मिनट तक पका लेते हैं। जैसा कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ये एकदम भी ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने घी और चाशनी दोनों ऐड की है। तो अगर एकदम ज़्यादा ड्राई कर लेते हैं तो ये बाद में और हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए पका रहे हैं। जब हम इसे लो फ्लेम पर पकाते हैं तो इसे पकने के लिए 1.5 से 2 मिनट लगते हैं धीमी गैस पर। तो ये देखिए परफेक्टली हो गया, बस इतना ही हमें पकाना है। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते। मैंने बारीक कटा हुआ काजू, पिस्ता और बादाम इसमें ऐड कर रहे हैं। आपको और दूसरे कोई ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा झटपट मूँग की दाल का हलवा रेडी हो गया है। तो आप इसका कलर, इसका टेक्सचर देखकर समझ ही गए होंगे कि कितना परफेक्ट और कितना यम्मी बना हुआ है। तो आप भी इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है इसको प्रेस करिए, ताकि इसी तरीके की अच्छे अच्छे और ईजी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय।